फ्रेंड्स नमस्कार, डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीरी सोफिया डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेना और टेररिस्ट के बीच हुई मुठभेड़ गोलीबारी में सेना के द्वारा दो आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये गोलीबारी में हमारे एक जवान वीरगति प्राप्त किए हैं, शहीद हुए हैं। सो फ्रेंड्स, सूत्रों के अनुसार जम्मू एंड कश्मीरी में सोफिया जिले में शनिवार को 27 मार्च को एक मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में एक भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि दो आतंकवादी मारे गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार घायल सेना की जवानों को 92 बेस हॉस्पिटल में रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार दक्षिण कश्मीर में सोफिया जिले के बागम बाग में हमारे सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। लोकल पुलिस का ये कहना है कि मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मारा जा चुका है और आगे ये कार्रवाई खान तलाश किया जा रहा है। आतंकवादियों से एक AK-47 और एक M4 कार्बाइन बंदूक को यहाँ पर बरामद किया गया है। साथ साथ यहाँ पर 34RR राष्ट्रीय राइफल के जवान और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक ज्वाइंट टीम ये ऑपरेशन में शामिल है, खान तलाश कर रहा है, आतंकवादियों को ढूंढ रहा है और इनका पीछा कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक घेरा के अंदर 2 से 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं। हालांकि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद वास्तविक संख्या बताई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।